गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं उस केस का नाम है राजीव भैल वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 24 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन में डिसाइड किया। फ्रेंड्स, ये केस इतना इंपॉर्टेंट है हर उस आदमी के लिए जो एक कंपनी में डायरेक्टर है। जनरली हमारे देश में एक लोगों की समझ ये है कि जो कंपनी की टैक्स लायबिलिटी है वो डायरेक्टर से रिकवर नहीं की जा सकती, क्योंकि कंपनी और डायरेक्टर जो है वो सेपरेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। जनरली लोगों के दिमाग में ये था कि यदि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है तो सारा का सारा पैसा जो है वो असेसी से रिकवर किया जा सकता है, प्रोप्राइटर से रिकवर किया जा सकता है। लेकिन लोगों ने इसलिए कंपनियां बनानी शुरू की कि यदि कंपनी के अंदर कोई तकलीफ आ भी जाती है तो कंपनी के डायरेक्टर से रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसी मकसद के लिए सेक्शन 179 लाया गया। सेक्शन 179 जो है मोटे तौर पे ये कहता है कि यदि डिपार्टमेंट किसी प्राइवेट लिमिटेड से टैक्स रिकवर नहीं कर पाता है तो जिस साल का टैक्स है उस साल के अंदर यदि कोई डायरेक्टर है तो डिपार्टमेंट उस डायरेक्टर से भी टैक्स रिकवर कर सकता है। डिपार्टमेंट डायरेक्टर से तभी टैक्स रिकवर कर सकता है, उसके लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहले डिपार्टमेंट ने कंपनी से टैक्स रिकवर करने की कोशिश की हो, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये कि डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टर को सेक्शन 179 के तहत नोटिस दे और उसको बताए कि ये कंपनी जो है अपना टैक्स नहीं दे रही है जिसके अंदर आप डायरेक्टर थे और ये टैक्स आपसे क्यों ना वसूला जाए। हमारे यहां एक और बड़ा चलन है कि जब भी नोटिस आते हैं तो जो टैक्स पेयर है वो उन नोटिसेस को बहुत हल्के में लेता है। ये केस इस बात का भी एक उदाहरण है कि हमको कोई भी नोटिस का जवाब इग्नोर नहीं करना है। यदि आपको कोई नोटिस मिलता है चाहे वो किसी भी आवाज में मिले, नोटिस का जवाब जो है वो एक लेटर से या उसके जवाब से जाना चाहिए। यही इस केस का जो मूलभूत रिजल्ट है और जो सीख है उस केस की ये है। इस केस में डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर को नोटिस दिया कि आप जिस कंपनी में डायरेक्टर थे उस कंपनी से टैक्स रिकवर नहीं किया जा सका और आप ये बताएं कि आपसे टैक्स रिकवर क्यों ना किया जाए। डायरेक्टर ने उस नोटिस को रिप्लाई नहीं किया, उस नोटिस को इग्नोर किया और बाद में डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर्स के बैंक अकाउंट अटैच करके डायरेक्टर से पैसा ले लिया। इसलिए डायरेक्टर जो है इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में गया रिट पिटीशन के द्वारा कि मुझसे ये टैक्स जो है वो गलत तरीके से लिया गया है और जो ये टैक्स लिया गया है ये मुझसे रिफंड किया जाए। सेक्शन 179 जो कि डिपार्टमेंट को ये पावर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने टैक्स नहीं दिया है तो जिस साल का टैक्स है उस साल के अंदर जो भी डायरेक्टर्स हैं आप उनसे भी पैसा रिकवर कर सकते हो। और जो डायरेक्टर्स को सेफगार्ड दिया गया है वो ये दिया गया है कि डायरेक्टर्स को ये बात प्रूव करनी है, देयर इज ए ड्यूटी ऑन द बर्डन ऑन द डायरेक्टर टू प्रूव दैट नॉन रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम कंपनी वॉज नॉट ड्यू टू हिज ग्रॉस नेग्लिजियंस और मिसफिशियंस। जो बर्डन है वो डायरेक्टर पे डाला गया है कि डायरेक्टर को ये बताना है कि जो टैक्स की रिकवरी है वो डायरेक्टर की गलती की वजह से नहीं हुई, तभी डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टर पे हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन यदि डायरेक्टर जो है वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाया तो डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्टर से टैक्स रिकवर कर सकता है। फ्रेंड्स, यदि ऐसा हो जाता है कि डिपार्टमेंट डायरेक्टर का बैंक अकाउंट अटैच करता है तो डायरेक्टर के पास जो ऑप्शंस बच जाते हैं वो ये ऑप्शंस है कि वो कोर्ट में रिट फाइल करें, और रिट फाइल करना भी एक हर आदमी के पहुंच में नहीं होता और वहां पर फिर इतनी सारी टेक्निकलिटीज हैं जैसे इस केस में आई। असेसी ने यह कहा कि मुझे
प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दी गई, मेरे साथ नेचुरल जस्टिस नहीं किया गया। तो इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि आपको नोटिस दिया गया था, आपने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, बाकी दो डायरेक्टर्स को भी नोटिस दिया गया, उन्होंने रिप्लाई किया लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि यदि एसएससी अपने नोटिसेस का रिप्लाई नहीं देता तो वो आगे फोरम्स में जाकर के इस बात की भी प्ली नहीं ले सकता कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है। तो इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एवरी एसएससी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी नोटिस विच हैज बीन इशूड बाय द डिपार्टमेंट। एनी नोटिस शुड नॉट बी टेकन लाइटली बाय द एसएससी। बहरहाल इस केस के अंदर जो एसएससी की प्ली थी वो ये थी कि सेक्शन 179 के अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस जो है वो वर्ड है। ग्रॉस नेग्लिजेंस का मतलब ये है कि ग्रॉसली मोटे तौर पे यदि एसएससी जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है टैक्स रिकवरी के लिए, तो टैक्स रिकवरी के अंदर तो एसएससी का कोई हाथ नहीं है। यदि कंपनी टैक्स नहीं दे रही तो इसमें डायरेक्टर तो कुछ कर नहीं सकता, और अब वो डायरेक्टर जो है वो उस कंपनी में था भी नहीं। लेकिन डिपार्टमेंट का कहना यह था कि सेक्शन 179 के अंदर यह दिया हुआ है कि यदि वो डायरेक्टर उस पर्टिकुलर ईयर में डायरेक्टर था जिस केस का जिस साल का डिफॉल्ट है, तो डिपार्टमेंट जो है वो उस डायरेक्टर से पैसा रिकवर कर सकता है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट के एक्शन को सही ठहराया। फ्रेंड्स, इस केस को जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये मकसद है कि कोई भी आदमी यदि किसी कंपनी में डायरेक्टर बनता है तो बहुत सोच समझ के बने। यदि कंपनी में डिफॉल्ट होता है टैक्स का, और जिस साल टैक्स का डिफॉल्ट हुआ है उस साल यदि जो एसएससी है जो डायरेक्टर है वो उस कंपनी में डायरेक्टर होता है, तो डिपार्टमेंट जो है वो उस डायरेक्टर से पैसा रिकवर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि असेसमेंट ईयर 19-20 का टैक्स डिफॉल्ट है और एसएससी जो है वो असेसमेंट ईयर 19-20 में उस कंपनी में डायरेक्टर था, तो सेक्शन 179 के तहत डिपार्टमेंट जो है वो मोटे तौर पे उस डायरेक्टर से पैसा रिकवर कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये एक डिफंट कंपनी थी, इस कंपनी के अंदर कोई वर्किंग नहीं होती। यदि कोई भी ऐसी आपकी प्ली जो है वो बहुत ज्यादा सुनवाई होने वाली नहीं है, आपको बेसिकली जो प्रूफ करने में आपको बहुत परेशानी ये होगी कि ये टैक्स जो है जो टैक्स की रिकवरी है वो मेरी वजह से नहीं हो रही। यदि आप डायरेक्टर हैं तो इसका मतलब ये प्राइमरी माना जाएगा कि आपको कंपनी के अफेयर्स की जानकारी थी। ये बहुत आपके लिए मुश्किल है प्रूव करना कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपनी की वर्किंग में कई बार ऐसा होता है कि कोई डायरेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा कंपनी की वर्किंग में इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन यदि आप वहां से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, यदि आपको वहां से किसी तरीके की सिटिंग फीस मिली है, तो ये सारी बातें जो है वो आपके अगेंस्ट जाएंगी और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबब हो सकता है। तो इसलिए कभी भी हर एसएससी को, हर टैक्स पेयर को किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने से पहले, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर बनने से पहले सेक्शन 179 को पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजीव बहल वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 430 ITR पेज नंबर 612 पर रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।